अब यहाँ पे ब्रेक की जगह हम करते हैं कंटिन्यू, यहां पे कंटिन्यू। अब देखो होगा क्या, जब आई 10 के बराबर होगा वो वाला सेटअप एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी उस टाइम पे आई का वैल्यू नहीं आएगा, बाकी जो आएगा ना 11 12 13 वो आ जाएंगे। लेट अस सी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो कहां तक हुआ, 0 से 14 तक, लेकिन आप देखो 10 है कहीं पे, 8 के बाद सीधे 9, 9 के बाद 11। अब 10 क्यों नहीं आया, क्योंकि कंडीशन मेट हो रही है यहां पे, हमने बोला कि अगर आई 10 के बराबर हुआ तो एट दैट टाइम वी नीड टू कंटिन्यू, यानी इस वाले सेटअप को रहने देना है और आगे जाके कंटिन्यू करना है, फिर जो आगे कहां कितने वैल्यूज है 15 है 20 है वहां तक जाना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुरू करते हैं C++ की और एक क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट्स आज हमें पढ़ने हैं एक एक करके। सो शुरू करते हैं विद ब्रेक स्टेटमेंट। C++ के अंदर जो ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन की ओर देखें, द C++ ब्रेक इज यूज्ड टू ब्रेक लूप और स्विच स्टेटमेंट। यानी जो इसका नाम ही इसलिए ब्रेक पड़ा हुआ है, बिकॉज इट ब्रेक्स द लूप, यानी ये लूप को खत्म कर देता है। इट ब्रेक्स द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, यानी करंट फ्लो, यानी जो फ्लो चल रहा है, जैसे इंक्रीमेंट बाई 1 हो रहा है, तो अब जैसे ब्रेक मतलब कंडीशन ट्रू होगी तो एट दैट टाइम ये उस फ्लो को खत्म कर देगा। बात आ रही है समझ? तो दैट इज इट। When the break statement is encountered, ये जो जब भी break statement encounter का मतलब होता है, जब ये सामने आ जाता है program के अंदर, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, जैसे ही break statement encounter होता है, जैसे ही वो execution पे आ जाता है, compiler उसको interrupter उसको देखता है, inside a loop, जब हम इसको use करते हैं loop के अंदर, यानी वहां पे जब ये encounter होता है, the loop is immediately terminated, यानी उसी वक्त वो loop जो है वो terminate हो जाता है, खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी उसका flow जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, एंड प्रोग्राम कंट्रोल रिज्यूम्स एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, और उसके फौरन बाद ये जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, यानी वो फिर से स्टार्ट होती है, रिज्यूम का मतलब होता है फिर से स्टार्ट करना, कहां से होती है, नेक्स्ट स्टेटमेंट से फॉलोइंग द लूप, यानी जो इस लूप के बाद होगी, यानी जहां पर ब्रेक हमने यूज किया उसके बाद जो स्टेटमेंट्स होंगे तो वहां से ये फिर से शुरू हो जाता है, तो वी कैन यूज एट दैट टाइम। सेकंड क्या है, इट कैन बी यूज्ड टू टर्मिनेट केस इन द स्विच स्टेटमेंट, यानी स्विच स्टेटमेंट में बहुत सारे केसेस परसों हमने देखा था, हम बहुत सारे केसेस उसमें किए थे, तो फाइनली जब अगर हम वहां पे कोई केस को ब्रेक करना चाहते हैं तो एट दैट टाइम वी कैन यूज दिस ब्रेक स्टेटमेंट, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो केस जो होगा वो वाला पर्टिकुलर केस वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस लुक टू द एग्जांपल। एग्जांपल की तरफ देखते हैं और फिर प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। नाउ आप यहां पे देख सकते हैं, हमने एक फॉर लूप लिया है और उसके अंदर क्या किया है, हमने एक इंटीजर ले लिया जिसको 0 इनिशियल वैल्यू दे दिया है, एंड यहां पे बताया कि ये जो आई है इट शुड बी लेस देन 10। अब अगर मैं कल की बात करूं, चलिए इसको प्रैक्टिकल में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट करते हैं कोड ब्लॉक्स के अंदर, जिसका यूज करते हैं कंसोल एप्लीकेशन, एंटर, C++ सिलेक्शन एंड देन ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड गो टू आएगा इसी में। सो लेट अस सेव इट एंड विजिट टू व्यू, क्लिक ऑन मैनेजर एंड क्लिक ऑन सोर्स वेयर आवर मेन प्रोग्राम इज लोकेटेड। सो इसको क्लोज कर देते हैं एंड इसको थोड़ा सा ज़ूम करते हैं। नाउ लेट्स लुक टू द एग्जांपल। अब अगर हम फॉर लूप को यूज करते हैं, ये तो पता ही है हमें कि फॉर लूप तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। सो लेट्स यूज ए फॉर लूप। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर यूज किया। फॉर के बाद इस फॉर के अंदर हम तीनों चीजें देते हैं, कंडीशन भी, इंक्रीमेंट भी, इनिशियल वैल्यू भी। सो आई विल डिक्लेयर एन इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू रखते हैं आई का 0, ये तो पता ही है, सही है। सो उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज करेंगे एंड दूसरी चीज आप देंगे आई की कंडीशन, हम बोलेंगे कि आई शुड बी लेस देन 15। बात आ रही है समझ? And the third thing is I should be incremented continuously, that is called I++, यानी I को increment होना चाहिए 1। अब जब तक ये statement true है, तब तक हम यहाँ पे C out कराएंगे, क्या कराएंगे? यानी C out क्या कराएंगे? हम I के values C out print करेंगे, हम बोलेंगे values, value of I is, ठीक है? I का value है, क्या है? वो इस तरह declare करेंगे, यानी यहाँ पे double score, ये double insertion and then I को लिखेंगे। एंड यहाँ पे मैं और एक बार ये दोनों यूज करूंगा ताकि मैं यहाँ पे स्लैश एम भी यूज कर सकूं। ठीक है, सो लेट्स क्लोज इट एंड सेव इट। अगर मैं इसको सिंपली सेव करता हूँ एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आप देखो 0 से स्टार्ट होकर 14 तक हमारे पास सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि फॉर यानी इंट आई शुड बी 0, यानी आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 0। अगर आप यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ आई फर्स्ट वैल्यू है 0, ठीक है, तो आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 0। उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला कि I should be less than 15, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो इसका होगा वो क्या है 14, बिकॉज लेस देन 15 है। ठीक, एंड I++, यानी जब 0 वैल्यू होगा तो I को इंक्रीमेंट होना चाहिए 1, 0, तो ये इंक्रीमेंट होगा 1, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी 1 लेस देन 15 है, हाँ है, तो यहाँ पे I फिर से प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ I इज 1, 2, 3, 4, अप टू 14, ये तो पता ही है। अब आज हम ब्रेक करने वाले हैं। ब्रेक का मतलब क्या होता है, देखो अब मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से बाहर निकालूंगा, ठीक है, इसको मैं रखूंगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे मैं और एक कंडीशन दूंगा इसके फॉर के अंदर। जिस तरह अगर आप प्रोग्राम की तरफ देखोगे, यहाँ पे हमने इस तरह किया, ये तो हो गया फॉर, उसके बाद इंटीजर हो गया, यहाँ पे हम और एक कंडीशन देंगे इस फॉर के अंदर। ये फॉर लूप के अंदर हम क्या कंडीशन देंगे, हम बोलेंगे कि इफ, अब अगर
हम बोलेंगे इफ आई इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल नाइन, बात आ रही है समझ? यहां पे आपने क्या बोला, अगर आई बराबर हुआ नाइन के, किस में? इस लूप में, अगर कहीं पे भी आई नाइन के बराबर हुआ तो एट दैट टाइम यू नीड टू ब्रेक, यहां पे हम ब्रेक इस्तेमाल करेंगे, बस इतना लिखना पड़ता है ब्रेक के लिए। अब जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट हमें इसके अंदर डालना पड़ेगा, किसके अंदर? इस वाले स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, यानी फॉर लूप के अंदर ही, तभी ये प्रिंट कंटिन्यूअसली होगा, सही है? तो ये हम यहां पे डाल दें। नाउ लेट अस सेव इट एंड लेट अस रन इट। आप देख लो 0 से लेकर 8 तक तो प्रिंट हो रहे हैं, अभी जब हमने इसके बगैर किया था तो 15 तक हो रहा, 14 तक हो रहा था, अब ये 18 तक क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहां पे कंडीशन दी कि भाई जब पहली बार रन होगा तो आई का वैल्यू 1 होगा। अब हमने अंदर बोला यानी 15 तक तो ये अभी हुआ, अब हमने यहां पे अंदर होने कंडीशन दे दी, हमने बोला कि अगर इफ का मतलब होता है अगर आई बराबर हुआ 9 के तो उस टाइम पे आपको ब्रेक करना। मैंने इस डेफिनेशन में क्या बोला था कि जब भी हम उस कंडीशन पे पहुंच जाते हैं जहां पे हम ब्रेक, जहां पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया हुआ होता है, तो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, वो पूरा लूप जो है खत्म हो जाता है। यानी असल में ये कर रहा था 15 तक प्रिंट कर रहा था ना, एग्जीक्यूशन होती 15 तक, लेकिन यहां पे मैंने जब 9 पे मैंने क्या किया ब्रेक। अब यहां पे अगर वैल्यू चेंज करते हो, देखो अगर मैं यहां पे वैल्यू करता हूं 3 तक चेंज, नाउ लेट अस सेव इट, प्रेस F8, तो आप देखो ये 012 ही तक जाएगा, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया, जब आई 3 के बराबर होगा तो यहां पे ब्रेक होगी, बता रहे। इसी तरह अगर आप यहां पे दे देते हो ऑलमोस्ट 30, तो आप दे दो 30, नाउ प्रेस दिस, आप देखो 12 तक हो जाएगा, बता रही है समझ? तो जब तक ये कंडीशन सही है यानी अंदर वाली, तो तब तक चलता रहेगा। जैसे हम इनसाइड इसके अंदर वो एक कंडीशन देते हैं और उसके अंदर ब्रेक करते हैं, तो जैसे ये कंडीशन मैट होगी, यही मैंने यहां पे बोला कि यहां पे व्हेन द ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप, लूप के अंदर जब हम यानी इस फॉर लूप के अंदर एनकाउंटर हुआ ब्रेक स्टेटमेंट, द लूप इज इमीडिएटली टर्मिनेटेड, उसी वक्त खत्म हो जाता है एंड प्रोग्राम कंट्रोल रिज्यूम्स एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, और ये नेक्स्ट स्टेटमेंट को पे रिज्यूम होता है। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेटमेंट, आप यहां पे कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे यहां पे आप लिखो सी आउट, अभी मैंने डायरेक्टली किया था, आप यहां पे सिंपली सी आउट लिखो कि और उसमें लिखो क्या, द लूप इज टर्मिनेटेड, TERMINATED, सही है, टर्मिनेटेड, द लूप इज टर्मिनेटेड, एंड देन क्लोज इट एंड देन सेव इट, सही है। सो प्रेस F8 और आप देखो यहां पे लास्ट में आएगी द लूप इज टर्मिनेटेड। यहां पे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक तो यहां पे तो ये खत्म हो गया, लूप तो खत्म हो गया, आप 13 की जगह आप वापस 10 दो, तो अगर आपने 10 दिया सेव इट प्रेस F8, 10 तक तो हो रहा है एग्जीक्यूट, सही, सो 10 तक तो हो रहा है। अब क्या इसके आगे क्या हो रहा है, लास्ट यानी उसके बाद जो स्टेटमेंट है द लूप इज टर्मिनेटेड, हालांकि अभी तक यही क्लोज हो रहा था, अब ये मैंने इस लूप के बाहर लिखा, तो यही मैं यहां पे बोल रहा हूं कि रिज्यूम्स एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखा सी आउट, तो यहां पे ये चीज आ गई, बात आई समझ? तो दैट इज इट, इसी को हम बोलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। अब इसी का एक अपोजिट है और एक, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। जब ब्रेक का मतलब होता है काटना, तो कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, होगा फिर यानी कंटिन्यू करना, तो अब इस कंटिन्यू से क्या होता है, लेट अस सी इसकी डेफिनेशन की अगर हम देखें, तो इसकी डेफिनेशन में हमने लिखा है द सी प्लस प्लस कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है, इट कंटिन्यूज द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, यानी ये क्या करता है, ये कंटिन्यू करता है, ब्रेक करती है यानी खत्म कर, ब्रेक क्या करती है, टर्मिनेट करती है, लेकिन ये कंटिन्यू करता है फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। बट एक चीज इसकी खासियत है, एंड स्किप्स द रिमेनिंग कोड, ये जो बाकी कोड कंडीशन के अंदर आता है उसको ये स्किप कर देता है, सही है। नाउ एट स्पेसिफाइड कंडीशन, एक किसी खास कंडीशन पे, यानी जब वो जिस तरह अभी हमने कंडीशन दी थी आई शुड बी लेस देन 10, नो हमने दिया था इफ आई इज लेस देन आई इज इक्वल 10, अगर जब आई 10 हुआ तो एट दैट टाइम यू नीड टू ब्रेक। इन केस ऑफ इनर लूप इट कंटिन्यूज ओनली इनर लूप, यानी इट कंटिन्यूज, अगर इनर लूप में हमने यूज किया तो ये खाली उसको कंटिन्यू करेगा, यानी इनर लूप के अंदर, तो ये तो सही है। नाउ लेट्स लुक टू द एग्जांपल, हम क्या करते हैं सेम इसी तरह प्रोग्रामिंग का, यहाँ पे कंटिन्यू यूज किया बाकी कुछ भी नहीं है, सो लेट अस मॉडिफाई दिस वन, यही इसी को मॉडिफाई करते हैं, बात खत्म करते हैं, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। सो यहाँ पे मैं ब्रेक की जगह में लिखूंगा कंटिन्यू। अब अभी देखो, पहले इसको देख लो, मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करूंगा ताकि आप देख पाओ कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है और जो हम अभी यूज करेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा। सो लेट अस सेव इट एंड एग्जीक्यूट इट, जैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं तो 9 तक चला जा रहा है, ठीक है, हालांकि कंडीशन क्या थी भाई, 15 तक जाना चाहिए, सही है, यानी 14 तक, लेस देन 15 मींस 14 तक जाना चाहिए। अब यहां पे ब्रेक की जगह हम करते हैं कंटिन्यू, CONTINUE, यहां मैंने कंटिन्यू, अब देखो होगा क्या, एज पर द डेफिनेशन ये कोड करंट फ्लो को क्या करता है, कंटिन्यू करता है, कंटिन्यूस द करंट फ्लो, बट स्किप्स द रिमेनिंग कोड, यानी वो जो कोड है ना उसको स्किप कर, इट मींस दैट जब आई 10 के बराबर होगा, क्या शाबाश, जब आई 10 के बराबर होगा वो वाला सेटअप एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी उस टाइम पे आई का वैल्यू नहीं आएगा, बाकी जो आएगा ना 11 12 13 वो आ जाएंगे। लेट अस सी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखो कहां तक हुआ, 0 से 14 तक, लेकिन आप देखो 10 है कहीं पे, 8 के बाद सीधे 9, 9 के बाद 11, अब 10 क्यों नहीं आया, क्योंकि कंडीशन मेट हो रही है, यहां पे हमने बोला कि अगर i 10 के बराबर हुआ तो एट दैट टाइम यू नीड टू कंटिन्यू, यानी इस वाले से डबल राइट रहने देना है और आगे जाके कंटिन्यू करना है, फिर जो आगे कहां कितने वैल्यूज है 15 है 20 है वहां तक जाना है, तो दैट इज इट, आया समझ?
ये इसका अपोजिट है, बाकी कुछ नहीं है। नाउ इफ यू लुक टू दिस वन, अगर आप कोई और वैल्यू करना चाहते हो जैसे आप कर लो 5, यानी जब i 5 के बराबर होगा तो एट दैट टाइम व्हाट शुड हैपन, दैट स्टेटमेंट यानी उस टाइम पे जो आगे आने वाला स्टेटमेंट है यानी ये वाला वैल्यू, ये क्या होना चाहिए, स्किप होना चाहिए और बाकी जो है बाकी कंटिन्यू होना चाहिए। सो लेट अस सेव इट एंड प्रेस F8। जैसे हम देखेंगे तो अगर 4 के बाद डायरेक्टली 6 आया, ठीक है, बाकी 14 तक जा रहा है, 14 के ये 100 तक जाएगा। आप जो वैल्यू यहां पे देखोगे जैसे 105 दे दो, सेव इट प्रेस F8, आप देखो ये 105 तक 4 तक जाएगा, ठीक है, लेकिन 5 तक भी ना होगा। देखो 4 के बाद डायरेक्टली 6, अब यहां तक कितना हो रहा है, यहां पे अगर आप 5 की जगह 55 कर रहे हो या कोई भी वैल्यू ले लो प्रेस F8, वही 55 नहीं होगा बाकी सारे होंगे, 54 55 है ही नहीं, ये दिख रहा है आपको, सही। तो दैट इज यानी उसके बाद भी ये कंटिन्यू करता है, यानी जब कंडीशन मेट होती है उसके बाद ये कंटिन्यू, खाली उस सेटअप को ये सिक्योर कर देता, बाकी ये उसी तरह है ब्रेक की तरह।